जनपद के दौरे के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सहजनवा क्षेत्र में नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण जलमग्न क्षेत्रों की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर के निरीक्षण के बाद बाढ़ खंड व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी बंधे सुरक्षित रहें, कोई भी बंधा टूटने ना पाए। इसके लिए तटबंधों की निरंतर निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि नावों की समुचित व्यवस्था रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गोरखपुर जनपद में 63 गांव हैं जो अब तक बाढ़ से आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं और कुछ पूरी तरह मैरूंड हैं। प्रशासन को पहले ही हरेक गांव में नाव उपलब्ध कराने, सभी पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने, मेडिकल की टीम वहां पर स्थानीय स्तर पर तैनात करने और पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए भी पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई जारी है, इसके साथ साथ इस आपदा से भी हम लोग लड़ेंगे और इसीलिए आज मैं स्वयं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अभी मैं संत कबीर नगर और गोरखपुर का दौरा करके आया हूं, भी देवरिया और बलिया की तरफ जा रहा हूं, फिर वहीं से वाराणसी और आदि क्षेत्रों में भी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी और कोविड-19 के खिलाफ जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर क्या रणनीति बनाई गई है, इन सब की समीक्षा करने निकला हूं।